ग्राम समाज का है, पंचायत का है। सस्पेंड करा के हमारी जान नहीं ले लेंगे, हमारी रोटी यहीं से नहीं चलती। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम भी चला, लोग देखने के लिए और सुनने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन प्रयागराज के अरायल स्थित पंचायत भवन में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के अब खासी चर्चा हो रही है और वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। आपको भी जानकारी होनी चाहिए, कार्यक्रम हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, ब्रह्मा कोई नहीं, आपको जानकारी नहीं है। ये पंचायत भवन है, ग्राम समाज का है, पंचायत का सस्पेंड करा के हमारी जान नहीं ले लेंगे, हमारी रोटी यहीं से नहीं चलती। आप ये गलत बात कर रही हैं, इसलिए मैं आपकी नजर लग रही हूँ। ये प्रोग्राम, हाँ हाँ भैया, कहा जाता ना कि चलो मैडम बोलना भूल गए, अभी बैठ जाओ। प्रिंसिपल हूँ यहाँ की, मेरे कोई औचित्य ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। आप कल आकर महाराज अपने कार्यालय में बैठ के आप वार्ता करें, आप जाएं। आज जाने महिला होने का जो मुझे एक सूचना चाहिए थी, बाबा मेरे काम पद में हो रहा है, मैडम ये स्कूल नहीं है, ये पंचायत भवन है। आप जाओ ना, हो गया। आप जितना ग्राम पंचायत का साधु कोई नहीं, साधु से बड़ा कोई साधु नहीं होता। दरअसल संविलियन विद्यालय अरायल जो है और पंचायत भवन है वो एक परिसर में ही है, और स्कूल की जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं वो कल्पना त्यागी हैं। इस कार्यक्रम में करछना के विधायक पीयूष रंजन निषाद भी पहुंचे थे, वही मुख्य अतिथि थे। प्रधानाध्यापिका कल्पना त्यागी की शिकायत ये थी कि बिना उनसे पूछे उनके कैंपस का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, उनसे पूछा क्यों नहीं गया। इसको लेकर के उन्होंने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि हंगामा भी, उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी। मौके पे पुलिस पहुंच गई। जब हंगामा बढ़ने लगा तो फिर विधायक ने डीएम से बात की और वहां पहुंचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए और प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। जो बीएसए हैं उनका कहना यह है कि जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार और वहाँ हंगामा को लेकर के उन्हें निलंबित किया गया है। प्रारंभिक जाँच में शिकायत सही पाई गई है। इसके अलावा जो है अब इस मामले की विस्तृत जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कहां से शुरू हुआ। लेकिन उनका कहना है कि ये कार्य न सिर्फ शिक्षक कार्य एवं दायित्वों के प्रतिकूल है बल्कि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का भी उल्लंघन है, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। प्रिंसिपल कितनी गुस्से में थी इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम हमें सस्पेंड करा दो, यहीं से सिर्फ हमारी रोटी नहीं चलती है। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।